Hey guys, welcome back once again to another vlog and we are making this video from Rome। और आज मेरे साथ थे मिलान के स्पेशल गेस्ट सत्यम भैया। तो आज हम लोग रोम में गैदर हुए फॉर वन स्पेशल ओकेशन और वो है ग्रेजुएशन डे ऑफ माई सिस्टर एंड माई ब्रदर। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट डे है आज, क्योंकि दोस्तों हम हमारे कॉलेज की जो मेमोरीज होती है और ये सबसे प्रेशियस डे होता है किसी भी एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि यार मतलब इतनी मेमोरीज बनाई होती है यार, अब वो मेमोरीज फेड भी होने वाली रहती है लेकिन एक अचीवमेंट भी होने वाली रहती है। तो बड़े भैया से पूछते कि कैसा उनका ग्रेजुएशन रहा है इंडिया में, अभी वो ग्रेजुएट होने वाले जल्दी ही, तो कैसे क्या फील होता होगा ये आप बताएं थोड़ा सा। इंडिया की ग्रेजुएशन सेरेमनी तो मुझे अभी भी याद है, बहुत सारा फन, एक्साइटमेंट, और वो दिन एक ऐसा दिन रहता है जिसके लिए पेरेंट्स और ऑल ओवर रिलेटिव्स भी आपका इंतजार करते हैं। और यहाँ का ग्रेजुएशन सेरेमनी इज समथिंग डिफरेंट। तो चलिए बस आ गई है, तो बस को हम लोग बैठे। तो गाइस सबसे पहले हमने मेट्रो ली, मेट्रो के बाद हमने बस ली और फिर बस ने यहाँ पर हमें ड्रॉप किया है और अब यहाँ से हमें थोड़ा वॉक करके आगे जाना पड़ेगा। तो ये है सेपियंजा यूनिवर्सिटी का एरोनॉटिक्स और एरोस्पेस डिपार्टमेंट। सो अब यहाँ से शायद वहाँ पर ग्रीन पास चेक हो रहा है, लेट्स सी। चलो ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट, सी यू। तो यहाँ पर वाटर टैंक कैसे होते हैं। दिस इज द इनसाइड ऑफ द कैंपस ऑफ दिस एरोस्पेस इंजीनियरिंग। वंडरफुल, ये स्पेसशिप्स वगैरह बन रही, पता नहीं क्या क्या है। बाद में यहाँ पर सब अपने अपने थीसिस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्लाइड्स में प्रेजेंट करना पड़ेगा उन्हें। तो यही है यहाँ का क्लासरूम, एरोस्पेस इंजीनियरिंग अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐसी आपकी क्लासेस होने वाली हैं। और बैक साइड पर जो है प्रेजेंटेशन चल रही है उस वाले हॉल में सब अपनी जो है प्रेजेंटेशन दे रहे, पीपीटी पे बनानी पड़ती है, लाइक 15 to 20 मिनट्स की होती है एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए। एंड देन एट द एंड फिर कुछ क्वेरीज होती है प्रोफेसर्स की, तो क्वेरीज आपको रिजॉल्व करनी रहती है। तो लेट्स सी, दीदी का टर्न कब आता है उसका वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। Which means it requires less amount of कितना आ रहा है जब तो नहीं, सच में बोलो। सो फाइनली जो पीपीटी की पावर प्रेजेंटेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है प्रोफेसर्स ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया, दोनों को ही बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। तो अब जो है ग्रेजुएशन सेरेमनी जो एग्जैक्टली करने वाले वाइन वगैरह वो देखते हैं, कैसे शैम्पेन ओपन करते हैं एंड सो ऑन। मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है कि मैं किसी ग्रेजुएशन सेरेमनी में पर्सनली अटेंड करने वाला हूँ, तो लेट्स सी कैसा होता है। बिकॉज 2 ईयर से कोविड की वजह से सारे जो ये ग्रेजुएशंस हो रहे थे वो ऑनलाइन हो रहे थे, तो अब जाके ये ऑफलाइन है, तो देखते हैं कि कैसा होता है। everyone for a better future. So graduation day लिखते हैं ORNO Giorno della Laurea. तो ऐसा कुछ है एरोस्पेस इंजीनियरिंग का कैंपस। अगर आप लोग भी रॉकेट उड़ाना चाहते हो या एरोप्लेन या पता नहीं, इसमें मशीनरी का कुछ काम रहता है इनका। द डेवलप मशीन्स और कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स इन्हें डेवलप करनी पड़ती हैं। वाओ। और वहाँ पर हमारी प्रिपरेशन चल रही है ग्रेजुएशन सेरेमनी की। और यहीं से बाय वॉक करते करते हम लोग उस साइड जाने वाले हैं और वहाँ से कोलोसियम आ जाएगा। तो ये बहुत हैपनिंग प्लेस है वाली। अब हम चलने वाले हैं यहाँ से कोलोसियम बाय वॉक। ऑलराइट, सो गाइज कोलोसियम पर आ चुके हैं हम लोग। और एक तो हम लोगों ने सेलिब्रेशन कर लिया जो यूनिवर्सिटी में किया था। सो द नेक्स्ट सेलिब्रेशन इज़ गोइंग टू बी इन फ्रंट ऑफ द कोलोसियम। जैसे मिलान में लोग कैथेड्रल के सामने सेलिब्रेशन करते हैं, तो रोम में आप कोलोसियम के सामने भी सेलिब्रेशन करते हो। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग के यहाँ पर आए हुए और सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे ये पूरा ग्रुप इटालियन वाला सेलिब्रेट कर रहा है, फिर वो इंडियन ग्रुप बैक साइड पर नीचे भी और लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सेलिब्रेशन। शेक करो चलो शेक करो पहले थोड़ा सा। ओए ये शेक करो, थोड़ा सा शेक करो। वीडियो बन रहे। अरे ये क्या करेंगे। ओ यार आपको मार देगी वो। चलो रेडी, ऊपर करो। ऊपर आपका करो। वो भी चेस्ट पीना है। नहीं बाजू लगाओ। वो तो सारा बात सही है। कांग्रेचुलेशंस फॉर यू। और नाइस पिक्चर इज कमिंग फॉर यू। सो दीदी फाइनली इट्स योर ग्रेजुएशन। अब कोई क्लासेस नहीं है, तो कैसा लग रहा है आपको? मतलब आजकल अच्छा लग रहा है बहुत। एंड फाइनली मैं बहुत अच्छे परसेंटेज से हुई हूँ ग्रेजुएट। हाँ, लेट देम नो कितने परसेंटेज है आपके? 96%। विद 96%, दैट्स रियली ग्रेट। ऑब्वियसली अब एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब स्टार्ट होती है। हाँ, क्योंकि जॉब होनी चाहिए। सही है, एक बर्डन कम हो गया है जो है सब्जेक्ट्स का, थीसिस का। फाइनली कौन सी फील्ड में करी ये भी बता दीजिए एक बार। एरोस्पेस इंजीनियरिंग। और अब आगे क्या प्लान है दीदी आपका? अभी आगे या तो डबल मास्टर्स के लिए अप्लाई करूंगी या तो PhD। चलो ग्रेट, ऑल द बेस्ट दीदी, कांग्रेचुलेशन। इस तरीके से ग्रेजुएशन होता है यहाँ पर, ग्रेजुएशन सेरेमनी। और अब दोनों की ही नई लाइफ शुरू होगी। सो विश देम गुड लक और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।